गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए इंग्लिश रीडर क्लास सिक्स चैप्टर वन हार्ट टेस्ट का पार्ट टू लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में आपको जहां से फिनिश किया गया था उसके आगे से आप अपने बुक में देखिए और समझिए। लिखा है ऑन दैट वेरी डे, ठीक उसी दिन मिसेस थॉम्सन क्विट टीचिंग रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक। मिसेस थॉम्सन जो थी क्विट कर दिया, क्विट करने का मतलब छोड़ दिया। क्विट क्या क्विट कर दिया? टीचिंग करना, रीडिंग करना, राइटिंग करना एंड अर्थमेटिक भी उन्होंने क्विट कर दिया। फ्रॉम द नेक्स्ट डे अगले दिन से, फ्रॉम द नेक्स्ट डे अगले दिन से, सी बिगेन टू टीच चिल्ड्रेन, वे बच्चों को पढ़ाने लगी। ऑन दैट वेरी डे मिसेस थॉम्सन क्विट टीचिंग रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक। कहने का मतलब, क्विट का मतलब छोड़ना भी होता है, मन लगाना भी होता है। तो उन्होंने जो है अगले दिन से क्या किया, सी बिगेन टू टीच चिल्ड्रेन, वे बच्चों को पढ़ाने लगी। मिसेस थॉम्सन पेड पार्टिकुलर अटेंशन टू टेडी। मिसेस थॉम्सन जो थी वे पार्टिकुलर अटेंशन करती थी, अटेंशन मतलब ध्यान देना, पार्टिकुलर अटेंशन विशेष ध्यान देती थी। किस पर? पेड पार्टिकुलर अटेंशन विशेष ध्यान देती थी टू टेडी, टेडी के ऊपर, टेडी पर विशेष ध्यान देती थी। एज सी वर्कड विथ हिम हिज माइंड सीम टू कम अलाइव। जैसे ही उन्होंने उसके साथ, यानी मिसेस थॉम्सन ने टेडी के साथ कार्य करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ, हिज माइंड सीम्ड टू कम अलाइव, उनका माइंड जो है सीम्ड टू कम अलाइव, यानी कि मानो कि उनके माइंड में, उनका माइंड प्रफुल्लित सा हो गया, यानी कि जीवंत हो गया, जीवित सा हो गया, उन्हें बड़ा आनंद आने लगा। द मोर सी इनकरेज्ड हिम, जितना ही वे उसको प्रोत्साहित करती थी, इनकरेज्ड का मतलब प्रोत्साहित करना, इनकरेज्ड encouraged, प्रोत्साहित करना, जितना ही वे टेडी को प्रोत्साहित करती थी द फास्टर ही रिस्पॉन्डेड, उतना ही अधिक वह जो है उत्तर देता था, यानी कि प्रत्युत्तर करता था, प्रतिक्रिया देता था। रिस्पॉन्डेड मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया करना, ठीक है। यानी जितना अधिक वे टेडी पर ध्यान देती थी उतना ही अधिक उसका रिस्पॉन्स भी मिलता था। बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वर्ष के अंत में, टेडी हैड बिकम वन ऑफ द स्मार्टेस्ट चिल्ड्रेन इन द क्लास। टेडी के अंदर इतना परिवर्तन आया, इतना मन लगाया उसने पढ़ाई में कि हैड बिकम वन ऑफ द स्मार्टेस्ट चिल्ड्रेन इन द क्लास, वह क्लास का, उस कक्षा का, जबकि इतना लेजी हो गया था दो सालों में, वह जो है टेडी हैड बिकम वन ऑफ द स्मार्टेस्ट चिल्ड्रेन इन द क्लास, क्लास का वह सबसे स्मार्टेस्ट चिल्ड्रेन हो गया, सबसे बुद्धिमान स्टूडेंट हो गया। डिस्पाइट हर लाई दैट सी वुड लव ऑल द चिल्ड्रेन द सेम, जो कि मिसेस थॉम्सन यह झूठ बोलती थी, लाई मतलब झूठ, झूठ बोलने के बावजूद, यानी उनकी, उनका जो झूठ था कि सी वुड लव ऑल द चिल्ड्रेन द सेम, वे सभी बच्चों को एक जैसा प्रेम करती थी, एक जैसा मानती थी। टेडी बीकेम वन ऑफ हर टीचर्स पेट्स। अब टेडी जो है
बीकेम वन ऑफ हर टीचर्स पेट। सबसे ज़्यादा टेडी को मानने लगी, मतलब सभी टीचर टेडी को सबसे मानने लगे। टेडी बीकेम वन ऑफ हर टीचर्स पेट्स, ठीक है, यानी कि सभी स्टूडेंट में टेडी जो था वह सबसे ज़्यादा माना जाने लगा, सबसे ज़्यादा चाहने लगे उसको टीचर्स। ए ईयर लेटर, एक वर्ष बाद, ए ईयर लेटर, लेटर मतलब बाद, एल ए टी ई आर, लेटर, लेटर मतलब बाद, और लेटर एल ई डबल टी ई आर, लेटर मीन्स पत्र। सी फाउंड ए नोट, उन्हें नोट अंडर हर डोर, उनके दरवाजे के नीचे, उनके दरवाजे के नीचे एक नोट मिला, नोट का मतलब कुछ लिखा हुआ था, चिट्ठी मिली, ठीक है, चिट्ठी कह सकते हैं, चिट्ठी मिली फ्रॉम टेडी, जो कि टेडी की ओर से था, टेडी की तरफ से था। टेलिंग हर दैट सी वाज स्टिल द बेस्ट टीचर ही एवर हैड इन हिम इन हिज होल लाइफ, उसमें लिखा था टेलिंग हर, उनके लिए, उनके लिए उसमें नोट में बताया गया था कि दैट सी वाज द स्टिल द बेस्ट टीचर, वे जो है उसकी सबसे बेस्ट टीचर थी। ही हैड एवर हैड इन हिज होल लाइफ, जो कि उन्होंने, उसने यानी टेडी ने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा था, कभी नहीं मिला था ऐसे टीचर से। सिक्स ईयर्स वेंट बाई, छः साल बीतने के बाद, सिक्स वर्ष जो है बीत गए, बिफोर सी गॉट अनदर नोट फ्रॉम टेडी, ठीक है, छः वर्ष बीतने से पहले ही टेडी का एक दूसरा पत्र, अनदर नोट, एक दूसरा पत्र, एक दूसरी चिट्ठी मिली टेडी की तरफ से। सी देन रोड, ही देन रोड, ही मतलब वह यानी टेडी, टेडी ने लिखा था कि ही हैड फिनिश्ड हाई स्कूल, कि उसने हाई स्कूल का एग्जाम पास कर लिया है, थर्ड इन हिज क्लास, थर्ड इन हिज क्लास, एंड सी वाज स्टिल द बेस्ट टीचर ही एवर हैड इन लाइफ, और अभी वे जो है बेस्ट टीचर ही एवर हैड इन लाइफ, जो कि ऐसा टीचर जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था, उसके जीवन में कभी नहीं आए थे, ऐसे टीचर जो है बन गए, मतलब बन गई उसके लिए, यानी मिसेस थॉम्सन। मतलब छः वर्ष बाद दूसरे पत्र में भी उनके लिए ऐसा ही लिखा टेडी ने। फोर ईयर्स आफ्टर दैट, उसके चार वर्ष बाद यानी कि पहला लेटर एक साल बाद लिखा, दूसरा लेटर सिक्स ईयर्स बाद के पहले, उसके बाद फोर ईयर यानी कि उसके चार साल के बाद सी गॉट अनदर लेटर। सी यानी वह यानी कि मिसेस थॉम्सन ने एक दूसरा पत्र पाया, एक दूसरा पत्र उनको मिला, सेइंग दैट, इसमें कहा गया था व्हाइल थिंग्स हैड बीन टफ एट टाइम्स ही हैड स्टेड इन स्कूल एंड स्टक विथ इट एंड वुड सून ग्रेजुएट। कि क्या लिखा था कि व्हाइल थिंग्स हैड बीन टफ एट टाइम्स, चीज़ें समय समय पर टफ होती गई, कठिन होती गई, डिफ़िकल्ट होती गई, ही हैड स्टेड इन स्कूल, वह स्कूल में रुका हुआ था, एंड स्टक विथ इट, और अपनी पढ़ाई के साथ उलझा था, एंड वुड सून ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज विद द हाईएस्ट ऑफ ऑनर। एक बार तो थर्ड आया, उसके बाद लिखा कि अब थी ग्रेजुएट हो जाएगा कॉलेज से विद द हाईएस्ट ऑफ ऑनर, यानी कि हाईएस्ट ऑफ ऑनर्स से काफ़ी ज़्यादा अंकों के साथ वह ग्रेजुएट हो गया। ही एसर्ट मिसेस थॉम्सन दैट सी वाज स्टिल द बेस्ट एंड फेवरेट टीचर। एसर्ट मतलब विश्वास दिलाया, मिसेस थॉम्सन को उसने विश्वास दिलाया कि ही हैड ईवर हियर, मतलब कि अब भी वह जो है उसका यानी कि टेडी की बेस्ट टीचर थी, जिसे कि ही हैड ईवर हैड इन हिज ओन लाइफ, अपने पूरे जीवन में कभी मिला था ऐसे टीचर से। देन फोर मोर ईयर्स पास्ट,
चार और वर्ष बीत गए एंड एट अनदर लेटर केम एक दूसरा पत्र आया दिस टाइम ही एक्सप्लेन्ड इस बार उसने बताया एक्सप्लेन किया बताया पत्र के माध्यम से दैट आफ्टर ही गॉट हिज बैचलर डिग्री अपनी बैचलर की डिग्री स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद ही डिसाइडेड टू गो ए लिटिल फर्दर उसने थोड़ा और आगे जाने का निश्चय किया था द लेटर एक्सप्लेन लेटर में लिखा था दैट सी वॉज स्टिल द बेस्ट एंड फेवरेट टीचर ही हैड ईवर हैड अब भी वे उसकी बेस्ट टीचर थी जिससे कि वह कभी ऐसे टीचर से वह कभी नहीं मिला था बट नाउ हिज नेम वॉज लिटिल लॉन्गर लेकिन अब उसका नाम कुछ बड़ा हो गया था द लेटर वॉज साइन लेटर में साइन किया हुआ था हस्ताक्षर किया हुआ था सिग्नेचर किया हुआ था क्या थियोडोर एफ स्टोडर्ड MD ऐसा उसका नाम हो गया था द स्टोरी डज नॉट इंड देयर स्टोरी वहीं समाप्त नहीं होती है यू सी देयर वॉज एट अनदर लेटर दैट स्प्रिंग एकाएक स्प्रिंग मतलब एकाएक एक और पत्र आया टेडी सेड टेडी ने इसमें कहा था ही हैड मेट दिस गर्ल एंड वॉज गोइंग टू बी मैरिड उसने बताया एक लड़की है जिससे वह मिला और वह अब उससे शादी करने जा रहा था ही एक्सप्लेन्ड उसने उसमें बताया कि दैट हिज फादर हैड डाइड ए कपल ऑफ ईयर्स एगो कुछ वर्ष पहले उसके पिताजी एक या दो वर्ष पहले उसके पिताजी गुजर गए उनकी मृत्यु हो गई एंड ही वॉज वंडरिंग इफ मिसेस थॉम्सन माइट एग्री टू सीट एट द वेडिंग इन द प्लेस दैट वॉज यूजली रिजर्व फॉर द मदर ऑफ द ग्रूम देखिए उसमें उसने लिखा कि यदि मिसेस थॉम्सन माइट एग्री टू सीट मिसेस थॉम्सन उस स्थान को लेने के लिए उस स्थान पर बैठने के लिए सहमत हो जाए एट द वेडिंग विवाह के समय इन द प्लेस जिस स्थान पर दैट वॉज यूजुअली आम तौर पर रिजर्व फॉर द मदर ऑफ द ग्रूम जो दूल्हे के आम तौर पर औपचारिक रूप से यूजुअली मतलब होता है आम तौर पर रिजर्व मीन्स औपचारिक रूप से ग्रूम मतलब दूल्हा ग्रूम के मदर के लिए खाली रहती है वह सीट मिसेस थॉम्सन जो है वह सीट स्वीकार करे यानी कि उसकी मदर की सीट को स्वीकार करें उसकी मदर का स्थान लें मदर के रूप में वहाँ पर उपस्थित हों ऑफ कोर्स मिसेस थॉम्सन डिड बिल्कुल स्वाभाविक रूप से मिसेस थॉम्सन ने ऐसा किया एंड गेस व्हाट और अनुमान लगाया एंड गेस व्हाट सी वर दैट ब्रेसलेट उन्होंने पहना वर मतलब पहनना क्या पहना दैट ब्रेसलेट वह ब्रेसलेट पहना द वन विथ सेवरल रेन स्टोन्स मिसिंग जिसमें कई रेन स्टोन कीमती पत्थर होता है तो उस ब्रेसलेट में से कई कीमती पत्थर सेवरल रेन स्टोन्स जो है मिसिंग थे ठीक है मोर इवर का मतलब होता है इसके अलावा उन्होंने क्या किया मोर इवर सी मेड श्योर सी वॉज बियरिंग द सेम परफ्यूम मोर इवर इसके अलावा सी मेड श्योर वे आश्वस्त हुई सी वॉज बियरिंग द सेम परफ्यूम उन्होंने सेम परफ्यूम वैसा ही परफ्यूम जो है लगाया दैट टेडी रिमेंबर्ड हिज मदर बियरिंग ऑन देयर लास्ट क्रिसमस टुगेदर जिस परफ्यूम को टेडी ने याद किया था लास्ट क्रिसमस पर कि लास्ट क्रिसमस में पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि जैसे टेडी ने जब उन्होंने परफ्यूम दिया उनको तो जब मिसेस थॉम्सन लगाया तो वैसे ही इंसेंस वैसी ही खुशबू आ रही थी जैसा कि उसकी मदर लगाती थी ठीक है दे हग ईच अदर उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया हग मतलब गले लगाया एंड डॉक्टर स्टोडर्ड विस्पर्ड इन मिसेस थॉम्सन ईयर
थॉमसन्स ईयर। डॉक्टर स्टोडर्ट जो टेडी था डॉक्टर हो गया था, तो डॉक्टर की उपाधि हो गई थी। डॉक्टर स्टोडर्ट विस्पर्ड, विस्पर्ड मैंने फुसफुसाया इन मिसेस थॉमसन्स ईयर, मिसेस थॉमसन के कानों में, थैंक यू मिसेस थॉमसन, थैंक यू मिसेस थॉमसन फॉर बिलीविंग इन मी, मुझ पर विश्वास करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील इम्पॉर्टेंट एंड शोइंग मी दैट आई कुड मेक ए डिफरेंस। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फील इम्पॉर्टेंट, मुझे जो है एक महत्वपूर्ण बनने में जो आपने सहयोग किया, वह एहसास दिलाया कि मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। एंड सोविंग मी दैट आई कुड मेक ए डिफरेंस, और जो आपने वह स्थान ग्रहण किया मेरी मदर के रूप में, तो मुझसे मैं जो है एक डिफरेंस, एक अलग दिखाई दे रहा हूँ, मुझे अलग बनाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। मिसेस थॉमसन विद टीयर्स इन हर आईज, मिसेस थॉमसन की आंखों में आंसू थे। विस्पर्ट बैग फिर से फुसफुसाते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा, सी सेड टेडी यू हैव इट ऑल रॉन्ग, तुम गलत कर रहे हो, यू आर द वन हु टॉट मी दैट आई कुड मेक ए डिफरेंस, तुम ही हो, यू आर द वन, तुम ही एक ऐसे हो जिसने मुझे पढ़ाया, जिसने मुझे सिखाया दैट आई कुड मेक ए डिफरेंस, कि मैं जो है अलग कैसे रह सकती हूँ, मैं मेरे अंदर क्या डिफरेंस आ सकता है। आई डिड नॉट नो हाउ टू टीच अंटिल आई मेट यू, जब तक मैं तुमसे न मिलती कैसे पढ़ाना है मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवीजन करें। यही पहला लेसन आपका फिनिश होता है, पहला वीडियो भी आप देखेंगे। पीडीएम विद्या मंदिर के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। थैंक यू, दैट्स ऑल।